विद्यार्थियों सुप्रभात, मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको अपठित गद्यांश की एक वर्कशीट दी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने वो वर्कशीट कर भी ली होगी। आज का जो हमारा विषय है वो पत्र लेखन है। अब पत्र लेखन है क्या, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पत्र लेखन विषय के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अपनी छोटी कक्षाओं में ये विषय हम आम तौर पर करते रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन वास्तव में होता क्या है। पत्र लेखन एक कला होती है। पत्र लेखन द्वारा व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है, अर्थात दूसरों के सामने प्रकट करता है। प्रश्न ये है कि वास्तव में पत्र कितनी प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र क्या होता है, उसमें हम अंतर पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, मित्रों तथा परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं, और औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो स्कूल के प्रधानाचार्यों, संपादकों, सरकारी व अन्य कार्यालयों के अधिकारियों तथा व्यापारियों को लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों अलग अलग होते हैं। आज हम औपचारिक पत्र के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र है तो थोड़ी सी औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। जैसे आज हम यहाँ पर संपादक को किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है उसके प्रारूप के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है उसकी जगह पर हम परीक्षा भवन लिखते हैं। अब परीक्षा भवन क्यों लिखते हैं, अगर तो प्रश्न पत्र में वहाँ पर हमारा पता या नाम दिया गया हो तो हम वही उसी नाम और पते को वहाँ पर लिखेंगे। अगर हमारा पता नहीं दिया गया, हमारा नाम नहीं दिया गया, तो उसकी जगह पर हम परीक्षा भवन लिखते हैं और उससे अगली लाइन में हम ब्लैंक अर्थात खाली स्थान छोड़कर शहर लिखते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात उससे अगली लाइन में हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक लिखने के अगली लाइन में जिसे पत्र हमें लिखना है हम उसके विषय में लिखते हैं। जैसे हमने संपादक अर्थात एडिटर को पत्र लिखना है तो हम लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय, और उसके पश्चात जिस समाचार पत्र का वो संपादक है उसको, उस नाम को हम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है नवभारत टाइम्स, और उसके पश्चात शहर का नाम कि मुख्य संपादक जो है वो, उसका कार्यालय जो है वो कहाँ पर है, उस शहर का नाम आ जाएगा। तो हमने अगली लाइन में जो शहर है उसका नाम लिख दिया है नई दिल्ली। अब उसके पश्चात अगली लाइन में हम लिखते हैं विषय, और ये बात हमेशा याद रखना कि जो औपचारिक पत्र होता है उसमें विषय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विषय, जो पत्र का विषय होता है, जिस समस्या को हमने बताना होता है उसको विषय में हम लिखते हैं कि हम किस आधार पर पत्र लिख रहे हैं। विषय लिखने के पश्चात अगली लाइन में हम लिखेंगे श्रीमान जी या फिर महोदय। उसके पश्चात हमारा पत्र का जो विषय अर्थात कंटेंट है वो लिखना हम शुरू करते हैं, और वो तीन लाइनों में लिखा जाता है। अब पहली लाइन में तो हम अपने विषय में और अपनी समस्या के विषय में बताते हैं, थोड़ा सा परिचय हम दे देते हैं। उसके पश्चात अगले पैराग्राफ में हम उस समस्या को विस्तार से बताते हैं, और जब हम समस्या को बता देते हैं तब उससे अगले पैराग्राफ में हम अंत में जब समाप्ति करते हैं तो तीसरे पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी इस समस्या का समाधान ज़रूर निकालेंगे,
और उसके पश्चात अगली लाइन में हम लिख देते हैं स धन्यवाद या धन्यवाद सहित। उसके पश्चात जो पत्र लिखने वाला है उसके विषय में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं वहाँ पर भवदीय, भवदीय अर्थात प्रार्थी, जो प्रार्थना करने वाला है, जो प्रार्थना पत्र लिख रहा है, वो लिखने के पश्चात उसकी अगली लाइन में अगर तो नाम दिया गया है तो हम उसी नाम को लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया गया है तो उसकी जगह पर हम क, ख और ग लिख देते हैं। दूसरे प्रारूप की ओर बढ़ते हैं और वो प्रारूप या फॉर्मेट है शिकायती पत्र का। शिकायती पत्र हम किसी भी अधिकारी को लिख सकते हैं, तो सबसे पहले भेजने वाले का पता आता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने संपादक को पत्र लिखा था, जैसे वहाँ पर पता लिखा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी पता लिखेंगे। जैसे सबसे ऊपर आएगा परीक्षा भवन और अगली लाइन में डैश 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 करके शहर आ जाएगा, और उससे अगली पंक्ति में या लाइन में दिनांक, और उसके बाद जिस अधिकारी को भी हमने ये पत्र लिखना है हम उसके विषय में लिखेंगे। जैसे सेवा में अधिकारी का नाम और शहर का नाम, अगर शहर का नाम नहीं दिया गया है या पता नहीं दिया गया है तो शहर के नाम की जगह पर हम जगह खाली छोड़ देंगे। और उसके पश्चात विषय, विषय लिखने के पश्चात अगली लाइन में हम श्रीमान जी या महोदय लिखते हैं, और उसके पश्चात हम अपना पत्र लिखना आरंभ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पत्र होता है हम तीन पैराग्राफ में लिखते हैं, तीन पैराग्राफ में विषय को स्पष्ट तथा प्रभावशाली लिखना चाहिए। विषय या समस्या को स्पष्ट करके पत्र को समाप्त कर देना चाहिए। और जैसे ही अपनी समस्या के विषय को हमने लिख दिया है उसके पश्चात समाप्त करके हम अगली लाइन में धन्यवाद लिखते हैं, धन्यवाद सहित, और उससे अगली लाइन में भवदीय या प्रार्थना करने वाला अर्थात प्रार्थी, वो लिखने के पश्चात हम नाम अगर दिया गया है तो नाम हम लिखते हैं, अगर नहीं दिया गया है तो उसकी जगह पर हम क, क, ख, ग लिख देते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से औपचारिक पत्रों के प्रारूप को समझा होगा। अब उसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा गृह कार्य दिया जा रहा है आपको, उसे आप अपनी अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिखोगे। तो गृह कार्य क्या है, आपने लिखना है किसी समाचार पत्र के संपादक को लाउडस्पीकरों से होने वाले शोर से होने वाली असुविधा की ओर संकेत करते हुए आपने पत्र लिखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फॉर्मेट, जो प्रारूप मैंने आपको समझाया है उसको ध्यान में रखते हुए आप ये पत्र अवश्य लिखोगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।